हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूँ बीसी के बारे में और ई डबल ए के बारे में कि हमें कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ई डबल ए के बारे में। उनको बस यही पता है कि बीसीए से ही हमारे मसल का साइज बढ़ता है। या आप कुछ भी समझते हो बीसी के बारे में कि बीसीए क्या इफ़ेक्ट डालता है हमारी बॉडी में, तो आज मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि बीसीए का रोल क्या है, बीसीए करता क्या है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है बीसीए, और ई डबल ए के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली और फेसबुक फैमिली के लिए वीडियो लेके आऊं और उन्हें समझाऊं, क्योंकि बॉडी नॉलेज से ही बनती है। और जो हेटर्स हैं, जो कमेंट करते हैं, भाई कर दियो कमेंट इस बार भी, ठीक है। तो सुन लेता हूं मैं, मज़ा आता है सुनने में। कमेंट भी ज़रूरी है, देखो अच्छे हो या बुरे हो कमेंट किया करो। तो हम बात करते हैं कि बी सी ए लेना चाहिए हमें या ई डबल ए, और बी सी ए और ई डबल ए हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जिम के दौरान इंट्रा वर्कआउट में। तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड की प्रोफाइल समझते हैं। बीसी के अंदर तीन अमीनो एसिड होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलीन, राइट। और ई डबल ए के अंदर 9 अमीनो एसिड होते हैं। तो कौन सा लेना चाहिए, पहले हम समझते हैं अमीनो एसिड होते क्या हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड हमारे 20 होते हैं, ठीक है। 20 में से आपकी बॉडी 11 खुद प्रोड्यूस करती है, और 9 अमीनो एसिड हमें बाहर से लेने होते हैं। और अमीनो एसिड करते क्या हैं किसी को पता ही नहीं है, तो आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अमीनो एसिड करते क्या हैं, जैसे आपने फर्स्ट मील ली, ठीक है, जैसे मैंने या आपने फर्स्ट मील ली सुबह सुबह मॉर्निंग की, ओट्स वाली, ठीक है, उसमें प्रोटीन आपका बैठा 30 ग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर अमीनो एसिड की प्रोफाइल चाहिए। अमीनो एसिड की प्रोफाइल की मतलब एग के अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, राइट। एग वाइट के अंदर 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारे मेन, ठीक है, 11 हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और 9 अमीनो एसिड आपको अंडे से मिल गए। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन भी मिल गया, प्रोटीन के साथ साथ आपको अमीनो एसिड की प्रोफाइल भी मिल गई। अमीनो एसिड आपकी मसल को सेव करती है, और तभी आपके मसल का साइज बढ़ता है। मैं यहाँ पे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा कि आपको प्रोटीन कितना चाहिए पूरे दिन में आपकी बॉडी के हिसाब से, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अमीनो एसिड की, राइट। अब आपने सुबह सुबह डाइट ली, ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोटीन बैठा 20 से 25 ग्राम किसी का 30 ग्राम, और यहाँ पे आपको अमीनो एसिड की प्रोफाइल भी मिल गई, क्योंकि अंडे में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी मील में, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि अमीनो एसिड होते क्या है, समझो। दूसरी मील में आपने किनवा खाया, किनवा, ठीक है, या खाया आपने चावल, खाए चावल के साथ आपने एक दाल खा ली, ठीक है, चावल खाए और एक दाल खा ली, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे ना तो आपको प्रोटीन मिला ढंग से, और ना ही आपको यहाँ पर अमीनो एसिड की प्रोफाइल मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि ना तो एक सिंगल दाल में अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते, और ना ही वाइट राइस में और ना ही ब्राउन राइस में अमीनो एसिड की प्रोफाइल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ना तो आपका प्रोटीन मिला, और ना ही आपको यहाँ पे आपकी जो ना ही आपको यहाँ पे अमीनो एसिड मिले। और 3 घंटे बाद हमारी बॉडी कैटाबॉलिक में चली जाती है, तो अमीनो एसिड नहीं मिला, और जिससे आपका ना तो मसल का साइज बढ़ेगा और ना ही मसल ग्रो होगा, उसके बाद आपका मसल लॉस ही होगा। तो अमीनो एसिड बहुत ही ज़रूरी है, वो 20 अमीनो एसिड, 11 हमारी बॉडी खुद बनाती है और 9 अमीनो एसिड हमें फूड से कंज्यूम करना पड़ता है। और बीसीए और ई डबल ए में फ़र्क क्या है, बीसीए के अंदर 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलीन। और कंपनियां ये 3 अमीनो एसिड, जब हमें बाहर से 9 अमीनो एसिड ही लेने होते हैं, तो कंपनियां ये 3 अमीनो एसिड ही क्यों डालते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, 9 में से सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं ये 3 अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए, इसलिए बीसीए के अंदर ये डाले गए हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वैलीन। और जो लोग बीसीए यूज़ कर रहे हैं मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि जब तक आपको 20 अमीनो एसिड नहीं मिलते, तब तक ना तो आपके मसल का साइज़ बढ़ता है, और ना ही आपके मसल
सेव होता है। और ई डबल ए है क्या? ई डबल ए असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि 2-3 साल से अभी रिसेंटली में कंपनियों ने लॉन्च किया है, और उसके अंदर वो 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो आपका मसल भी सेव रखेगा और साथ ही साथ आपके मसल का साइज भी बढ़ाएगा। तो बी सी ए के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी है, वेस्ट ऑफ मनी है, इफेक्ट नहीं है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो बी सी ए, मैं सच बताऊँ तो बी सी ए सिर्फ जब आप जिम करते हो तो आपकी बॉडी में से जो आपकी मसल है वो ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, तो ज़्यादा ना टूटे तो वो 3 अमीनो एसिड काम करते हैं उस दौरान। तो वहाँ पे आपकी मसल जो टूट रही है वो ज़्यादा ना टूटे, वहाँ पे आपकी मसल ना तो सेव हो रही है और ना ही आपके मसल का साइज बढ़ रहा है। बट ई डबल ए असेंशियल अमीनो एसिड 11 हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, और ई डबल ए के अंदर वो 9 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वो आपके मसल को सेव भी रखेगा, बट जो आपकी मसल टूट रही है वो टूटने देगा ही नहीं, और आपका साथ ही साथ मसल का साइज भी बढ़ाएगा क्योंकि उसके अंदर वो 9 अमीनो एसिड अवेलेबल है। तो जो लोग बी सी ए ले रहे हैं या जो लोग बी सी ए लेंगे, मैं उनसे यही बोलूँगा कि बी सी ए मत लेना, अब ई डबल ए लेना, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने आज तक अपने दोस्तों को नहीं बताई, पर बतानी तो पड़ेगी ना, क्योंकि बॉडी नॉलेज से बनती है। तो अब वीडियो मैंने बना दी है, अब मेरे दोस्तों पे, मेरे दोस्त मुझे इतने कमेंट करेंगे कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। जो लोग नए हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और जो मुझे फॉलो नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो फॉलो भी कर लो। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो, और ई डबल ए ही लेना, असेंशियल अमीनो एसिड, बी से मत लेना, बी से वेस्ट ऑफ मनी है, और आपको पता चल गया होगा अमीनो एसिड होते क्या हैं। सो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो, बाय।